सीमांत हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाला झाड़ी नुमा एक ऐसा पौधा है जो कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उगने की क्षमता रखता है। कलांतर से तिमरू को उत्तराखंड में स्थानीय निवासियों द्वारा पारंपरिक, धार्मिक एवं औषधीय रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है। एक विशेष इत्र और अब हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उत्पाद जो कि बहुत ही प्रेम से हिमालय के घरों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं, उपहार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अमित शाह जी को भेंट करते हुए इसमें मिलेट बिस्किट, कीवी चटनी, एप्रिकॉट जैम, वाइल्ड हनी, लाल चावल, राजमा और अपना GI टैग्ड मिलेट भी है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, हम सभी के लिए। आज के इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उत्तराखंड के सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सभी सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी डेस्टिनेशन उत्तराखंड को सफल करने के लिए आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत। मैं भी मानता हूं जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना, मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था। मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2,00,000 करोड़ का, परंतु आज 3,50,000 करोड़ के MOU समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज का यह समारोह 3,50,000 करोड़ के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंडवासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं
कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्य पूर्वक अंदर उनका मॉरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष करकर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और दो दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। दो दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये एक दशक में हुआ है वो एक दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए इस प्रकार से हरेक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलोअप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। मैं खंबाता जी को सुनता था, खंबाता जी आपका हौसला बहुत बुलंद है, मगर लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। IMF ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा, मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई।
ये सारे शुभ संकेत भारत आज क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की जीडीपी में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतने सारे मल्टी डायमेंशनल बदलाव भारत के अंदर जो हुए एक विजनरी लीडरशिप के कारण। मित्रों, हम सब ने अभी अभी G20 को देखा है। G20 के अंदर आए हुए विदेशी मेहमानों से जब बात होती थी वो सभी लोग कहते थे हम कई G20 समिटों में गए हैं, एक दो या तीन ही शहर में यजमान देश व्यवस्था कर पाते थे। भारत ने सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और देश के 60 स्थानों पर विदेशी मेहमानों को पहुंचाकर भारत का परिचय कराने का काम किया और मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन ये कूटनीतिक क्षेत्र में भारत के परचम को आसमान तक ऊंचा ले जाने वाला दिल्ली डिक्लेरेशन है। ये दिल्ली डिक्लेरेशन को कई दशकों तक याद किया जाएगा और इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने की जो घटना हुई है समग्र दुनिया के पिछड़े देशों का नेतृत्व ऑटोमेटिकली भारत के पास आ गया है। इस प्रकार का विजनरी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमने इस 10 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने में केवल 10 साल के अंदर हमें सफलता मिली है। -3% कृषि का ग्रेथ रेट इसको +4.6% पर ले जाने में ये 9 साल में हमने सफलता की है। मतलब करोड़ों किसानों के भविष्य की चिंता भी इसके साथ हुई है और 2014 में केवल 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे और आज 110 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में सम्मान के साथ बैठे हैं। भारत के युवाओं ने विश्व के मंच पर भारत को यश दिलाने का काम किया है। अब तक का सबसे ज्यादा FDI $84.8 बिलियन $2022 में आया। एक्सपेंडिचर के फोकस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के बजटों में सबसे ज्यादा 46.8 कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य सिद्ध करने का काम भारत ने किया है। मित्रों, ये 9 वर्षों में जो बदलाव आई है वो आत्मनिर्भर भारत की लहर है। 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का ये बदलाव परिचायक है और विरासत और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्र में एक साथ काम करना और अनेक प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इस सभी मामलों में 9 साल के अंदर ढेर सारा काम हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आज जब मैं यहां पर आया हूं तब ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं। उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक के उत्तराखंड के प्रोग्रेस के आंकड़ों को मैं बारीकी से देखता हूं क्योंकि ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी ने छोटे राज्यों की रचना कर विकास को गति देने के एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। एक्सपेरिमेंट का क्या प्रयोग आया, एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम आया, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बारीकी से देखता हूं। मैं आज बेझिझक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई, कई प्रकार के नए नए इनिशिएटिव, चाहे भारत की सीमाओं पर खाली होती गांव पलायन इसको रोकने के लिए इनिशिएटिव लेना हो, चाहे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसियां बनानी हो। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, 3-6 साल के अंदर 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड ने अपने आप को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का बिरुद अपने आप प्राप्त करने का काम किया। धामी जी कहते हैं कि यहां आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। उत्तराखंड के अंदर हमने एक पारदर्शी माहौल उत्तराखंड सरकार ने देने का प्रयास किया है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है, हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रियों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है, और यहां पर औद्योगिक संघर्ष जीरो। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है, और जैसे पहले कहा पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है, आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार का शासन हमने उत्तराखंड में देने का काम किया है। मित्रों, केंद्र सरकार के नीति आयोग के सुझावों के अमल करते हुए सेतु के अंतर्गत इन्होंने 3 सेंटर भी स्थापे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ये 3 विषयों पर समग्र देश की पॉलिसी की चिंता और चर्चा करने के सेंटर बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में उत्तराखंड पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। यहाँ पर्यटन, सेवा, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, कस्टमाइज पैकेज और इसके साथ साथ आईटी के लिए और विशेषकर पर्यटन और आयुष के लिए ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य में पड़ी हैं।
मित्रों मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, हम सब लेट ही चल रहे हैं, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े भरोसे के साथ छोटे राज्यों की रचना की थी। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि ये छोटे राज्यों का प्रयोग सफल हो। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में हमारे श्रद्धा केंद्र बैठे हैं वो राज्य आगे बढ़े। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि देश के 40% हिस्से को पीने का पानी पहुंचाने वाली गंगा जी और यमुना जी जहां से निकलती है वो उत्तराखंड को हम मजबूत करें, विकसित करें, आगे बढ़ाइए। मैं आज उद्योग जगत के सभी लोग जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां किया है, वो लोगों का भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से और धामी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। आपने भरोसा कर उत्तराखंड सरकार पर यहां आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड कारपेट वेलकम से भी ज्यादा हृदय का स्वागत यहां पर आप फील करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आने वाले उत्तराखंड के अच्छे दिनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बातों को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका समापन संदेश देश के लिए, उत्तराखंड के लिए अनेक